तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। विद्यासागर का घर है श्री राम कृष्ण, भावावेश में है मन, बाहर को आ ही नहीं रहा। माँ के पाद पद्मों में लिपटा हुआ है। कहते हैं पानी पीऊंगा। विद्यासागर ने व्यग्र होकर किसी से पानी लाने को कहा और मास्टर से पूछा, कुछ मिठाई लाऊं क्या, ये खाएंगे? मास्टर ने कहा, जी हाँ ले आइए। विद्यासागर जल्दी से भीतर जाकर कुछ मिठाइयाँ ले आए और कहा कि ये बर्दवान से आई हैं। श्री रामकृष्ण को कुछ खाने को दी गईं। हाजरा और भावनाथ ने भी कुछ पाई। जब मास्टर की बारी आई तो विद्यासागर ने कहा, वह तो घर का ही लड़का है, उसके लिए कोई चिंता नहीं। श्री रामकृष्ण एक भक्त लड़के के बारे में विद्यासागर से कह रहे हैं जो सामने ही बैठा था। यह बड़ा अच्छा लड़का है और इसके भीतर सार है, जैसे फल्गु नदी। ऊपर तो रेत है पर थोड़ा खोदने से ही भीतर पानी बहता दिखाई देता है। थोड़ा खोदने से ही भीतर पानी बहता दिखाई देता है। आधार बहुत अच्छा है। सही रास्ता मिले तो जीवन का जो सुप्रीम लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ सकता है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि हम सबका आधार अच्छा है। हमें कह रहे हैं इस समय वो, तुम्हारा आधार अच्छा है। नीचे सत्य की नदी, भक्ति की नदी, समर्पण की नदी, विश्वास की नदी, समता की नदी, अनासक्ति की नदी, संतोष की नदी, परम आत्मरति की नदी, परमात्मा में रति की नदी, बह रही है। जरा मिट्टी हटा लो, जरा रेत हटा लो, तुम्हें बहती नजर आएगी। जो ऊपर ऊपर रेत दिख रही है
बुलावे में मत रहो कि ये रेत ही है और कुछ नहीं है। रेत के नीचे शीतल जल है, मन के नीचे शीतलतम प्रकाश है, चिन्मय प्रकाश है। मन को जरा सा हटाओ तो जो ये दुनियादारी के चक्कर में थोड़ा चंचल सा हुआ जाता है, इसको दुनिया से हटाओ तो इसकी चंचलता, ये रेत जरा हटाओ तो देखो फिर नीचे क्या मिलता है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि समय केवल उन जगहों में कार्यों में न लगाओ जो बहुत अर्जेंट सी प्रतीत होती हैं। आज ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, ये करना है, वो करना है, 50 चीज़ों से जो तुमने संकल्प बना रखे हैं, छोटी मोटी इच्छाएं बना रखी हैं, वो बालू की तरह नदी को ढके हुए हैं, शीतलता को, सत्य को ढके हुए हैं। एक बार रुको तो पीछे हटो तो जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण है शीतलता का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, सत्य का जो हिलता डुलता नहीं है, जो मन बुद्धि अहंकार चित्त का स्रोत है, उसमें स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है इस जीवन में। श्री राम कृष्ण हमें ही कह रहे हैं कि मन चंचल रहेगा, विक्षिप्त रहेगा, उद्विग्न रहेगा, सुख और दुख में फंसा रहेगा तो हो नहीं पाएगा। अर्जुन को चिड़िया की आंख ही दिख रही है, गुरुजी भी साथ में खड़े हैं, बाकी और भाई भी खड़े हैं, पेड़ भी है, पेड़ के पत्ते भी हैं और चिड़िया का वो रूप भी है, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। कहा गया चिड़िया की आंख पर तीर लगना चाहिए, क्या दिख रहा है? बस चिड़िया की आंख। युधिष्ठिर भी वहीं खड़े थे, उनको बहुत कुछ दिख रहा था, बाकियों की तो बात ही क्या है। केवल अर्जुन, वो चिड़िया की आंख, केवल चिड़िया की आंख, निरअहंकारिता, मन का शून्य हो जाना, बुद्धि का विलीन हो जाना, चित्त का पूर्णतया
प्रकाश में विलय हो जाना। केवल वो ही दिखना चाहिए अब हमें, और कुछ भी नहीं। पूरा दिन इसी लक्ष्य को हृदय में रखकर हमें अपना अब जीवन जीना चाहिए। फजूल के कार्यों में अपना समय व्यर्थ न करें हम। रेत को हटाएं तब शीतल जल मिलेगा। भगवान हम पर कृपा करें कि हमें भी केवल चिड़िया की आंख ही दिखे, और कुछ भी नहीं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्।